अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने बस्तर में क्या कुछ कहा और फिर इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। सीधे हम जगदलपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी रसिका पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रसिका, बीजेपी लगातार कहती है कि वो गरीबों की पार्टी है और ये बात प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में नजर आई क्योंकि गरीबों को लेकर बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही थी। रसिका। बिल्कुल सुमित, छोटे आमाबाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और कई मायने, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि हम गरीबों की पार्टी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस है कि गरीबों का वो कल्याण कर सके और साथ ही महिलाओं पर भी वो फोकस नजर आ रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा गूंजा तो कई मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान के साथ नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ चरणदास महंत का वो बयान जिसको लेकर लगातार विस्तार न्यूज भी चर्चा कर रहा था, जो विषय चर्चा में बना हुआ था, छत्तीसगढ़ की राजनीति में विषय गर्म भी था, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे कौन बचाएगा, मुझे जनता बचाएगी, मुझे आप लोग बचाएंगे। और जिस तरीके से मोदी मैं आज बस्तर नजर आ रहा था, मोदी की लोकप्रियता देखती बन रही थी, इससे कहीं ना कहीं ये स्थिति तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे तो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद रहे। अनमोल तिवारी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। सुमित, मैं उनसे भी बात करूंगी क्योंकि जिस वक्त हम सभा में अंदर मौजूद थे तो अनमोल लोगों का बाहर रिएक्शन ले रहे थे। अनमोल, कैसा रिएक्शन आपको लोगों का मिल रहा था? देखिए रसिका, हम लोग सुबह से इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज आ रहे थे, मैं देख रहा था कि बस्तर के दूरस्थ अंचल, जो मतलब यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से लोग आए हुए थे। ट्रैक्टर में बैठकर आ रहे थे, ट्रक में बैठकर आ रहे थे, बस में बैठकर आ रहे थे और यहाँ पासी में एक नदी था, वो मैं नदी में था, मैं देख रहा था कि वहाँ रेत थी और तपतपाती धूप थी, उसमें वो चल रहे हैं और चप्पल उनके पैरों में नहीं है। तो ये जुनून जो था उनके लिए, ये जो प्यार था, ये प्रधानमंत्री जुनून तो देखने को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी और ये सभा का आयोजन इसी गांव में होना, क्या संकेत? जैसे कि वो बलीराम कश्यप का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे थे, उनको अपना वो राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये धरती मेरे लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बलीराम कश्यप यहाँ से आते हैं, ये उनकी जन्मभूमि है। बिल्कुल रसिका, क्योंकि बलीराम कश्यप एक बहुत बड़े चेहरे थे इस क्षेत्र से। उनके बेटे केदार कश्यप अभी जो है प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इस क्षेत्र में जो है उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश थी कि उनके गाँव में आया जाए, एक सम्मान के रूप में अपने आप को पेश किया जाए और लोगों में एक संदेश जाए कि प्रधानमंत्री जो है गाँव गाँव तक पहुँचते हैं। क्योंकि आपको पता है रसिका, बीजेपी का कोई भी अभियान जो होता है, वो रसिका जो भीड़, जो जन सैलाब जगदलपुर में आज नजर आया है, वो बता रहा था, वो कह रहा था, वो जनसैलाब रसिका कह रहा था कि जो भीड़ है वो ट्रकों में भरकर, बसों में भरकर बीजेपी के द्वारा बुलाई गई नहीं थी।
आदिवासियों का भी जिक्र हुआ, महिलाओं का भी जिक्र हुआ, मोदी की गारंटी का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी फोकस किया कि विपक्ष चाहे जो भी कहता रहे, भ्रष्टाचारी तो जेल के अंदर जाएंगे, और ये भी मोदी की गारंटी है। अब मोदी की कौन कौन सी गारंटी पर जनता विश्वास जताती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ये सभा आमाबाल में होना कई संकेत इसलिए भी देते हैं। देखिए, ये रायपुर से जगदलपुर रोड में पड़ता है, भानपुरी गांव के पास, तो कांकेर के ऑडियंस। रसिका, मैं लौटूंगा आपके पास, रसिका मैं लौटता हूँ, रोकना चाहूंगा आपको।